بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. ابھی گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, ابھی گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, اور گر مر کے بھی چین نہ ملا تو کدھر جائیں گے, گر مر کے بھی چین نہ ملا تو کدھر جائیں گے. اے تخت زمین مسافر خانہ کئی آون تے کئی جاون, پہلے بسترے جھاڑ اٹھاون اتے مگرو ہور وچھاون. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے جو کل کائنات دا حاجت روا مشکل کشا اور بے نیاز بادشاہ ہے, ان گنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہون سید کائنات امام کائنات امام القبلتین جد الحسن والحسین تاجدار ختم نبوت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وزواجہ واہل بیتہ ذریتہ اجمعین دی ذات اقدس و اطہر اعلیٰ اولا بالا واسطے. دوستو, بزرگو, عزیز ساتھیو, نوجوان بھائیو, اسلامی روحانی بہنو اور مائیو, میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جامع مسجد مدنی اہل حدیث بستی اللہ داد کلونی باما بالا تصیر نالا ضلع اکاڑا دے اندر اے میری حاضری جو کہ میرے انتہائی محترم واجب الاحترام محترم شیخ الاسلام جناب قاری محمد اکرم مجاہد صاحب حافظ اللہ انہاں دی پرخلوص محبت پیار والی دعوت تے ہو رہی ہے, اور محترم حاجی محمد یوسف صاحب اور چاچا معز الدین خان صاحب اور احسان یوسف صاحب اکاڑے تو دیگر اس مسجد دے جتنے نمازی علاقے دے جماعتی ساتھی طالب علم بچے قریب دور تو تسی جننے آئے ہو میں سب واسطے دعا کردا کہ اللہ تعالیٰ سب نو جزائے خیر عطا فرمائے, اور انتظامیہ دا بھی شکریہ ادا کردیاں ہیں جی تھانے تو ساڑے بڑے پیارے بھائی افسر ساڑے علاقے دے محترم جناب بھائی عبدالروف صاحب ماشاءاللہ وہ تشریف بھی لیا, اور مینوں وضو کردے ملے فرمان لگے جی میں بھی جمعہ پڑھن واسطے آیا, اللہ انہاں نو مزید عزتاں عطا فرمائے. جو گزارشات عرض کرنے دا ارادہ ہے اُدھے واسطے جو مقام قرآنی میں پڑھیا ہے اُدھی روشنی اندر چند گزارشات میں عرض کراں گا, اور اج دا عنوان ہوئے گا قبر کی پہلی رات. یعنی مسئلہ وہ شروع کرنے لگے ہیں جدے جی کوئی اختلاف کوئی رولا
कोई फिरका फितना फसाद कुछ भी नहीं है। यानी मौत जेड़ा है ना एक ऐसा मसला है जिदा कोई इनकार नहीं कर सकता, कोई काफर भी नहीं इनकार कर सकता। लेकिन जेड़ा मसला अगे आ गया ना कब्र दी पहली रात दा, इहदे अंदर इख्तलाफ शुरू हो जाता है। यानी नबी अलैहि सलाम की जबान भी सच्ची है, अल्लाह का कुरान भी सच्चा है। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया सी कि मेरी उम्मत कौम बनी इसराइल नालों ही फिरकावरियत अंदर वध जाएगी। एक कौम उम्मत जिहड़ी है, एक कौम ए हुजूर अलैहि सलाम की उम्मत है, एक इजाबत है, एक उम्मत दावत है। असी तुसी जिहड़ा कलमा पढ़ी बैठे अल्लाह हुजूर दा उम्मती होना नसीब फरमाए, अमीन कहो अल्लाह कलमा मुबारक फरमाए। तो जिन्होंने नहीं पढ़िया हैन तो वह भी उम्मत ही हजूर दे ही ना, लेकिन वह उम्मत दावत है। उन्होंने तक असी दावत चूंकि हजूर के जमाने दुनिया जितनी कैनात मौजूद है, भावें अमेरिका भावें लंडन भावें फ्रांस भावें इटली भावें दिल्ली भावें अमेरिका भावें जिथे भी अरब अजब यूरोप एशिया अंदर है, सारी हजूर की उम्मत ही। भावें उन्होंने नहीं मनिया वो उम्मत दावत है, यानी उन्होंने तक साड़ी दावत पहुँचनी चाहिए है। असी जिन्हों कलमा कुरान ईमान इस्लाम नसीब हो असी उम्मत इजाबत हाँ, असी रब के कुरान भी कबूल कर ले, हजूर के फरमान भी कबूल कर ले। अलहमदुल्ला सुबह अलहमदुल्ला साडा ईमान है भाई जान कि रब का कुरान भी सच्चे नबी का फरमान भी, इधरों चढ़दा इधरों चढ़ सकता है। अल्लाह का कुरान भी सच्चे, आसमान टुट के डिग जाए जमीन शक हो जाए पहाड़ अपनी जगह तो हिल सकते, लेकिन अल्लाह दे कुरान नबी दी जुबान च फर्क आ सकता। जो तो हुजूर ने फरमाया फिरके बनते ने तो फिरके बनते ने। हुण वेख लो मौत ते किसी दे इख्तलाफ नहीं, लेकिन मौत दे बाद जिहड़ा उनवान मैं जिक्र करन लगा ना कबर की पहली रात, इख्तलाफ करने वाले कबर दे अंदर भी इख्तलाफ कर दिता। कई बंदे आंदे नहीं कबर च अज़ाब है ही कोई ना, बुनियादी गल मसले समझो फिर गल शुरू करिए, तवज्जो रहे हजरात ग्रामी कदर। कई बंदे आंदे ने कबर दा अज़ाब है ही कोई ना, ये जड़ी गल आते ने ना ये जरूरी काफर नहीं, ए साडे कलमा पढ़ने वाले मुसलमान भरावां च भी कई फिरके हैं जिहदे नवे नवे निकल आए ने। 2023 मॉडल फिरके कई नवे निकल पे ने, नवे जम पे ने जिहड़े आंदे ने इस कबर च अज़ाब है ही कोई ना। वो आंदे ने जेकर इस कबर च अज़ाब होए तो फिर जिहड़े अपने मैयत नूं मुरदिआं नूं साड़ देंदे ने जला देंदे ने वह तो कबर दे अज़ाब कोलों बच गए। बात समझो गौर नाल मेरे भाई, मरण के बाद तो लैके बरोसे माशर क्यामत तक कबर चोट के खड़े होने तक इस सारे दरमियानी वक्फे और रूह दी सारे इस लम्हात का नाम कबर है, जिन्हों बरजख भी किया जाता है। कोई बंदा पानी डुब के मर जाए, किसी बंदे नूं जानवर खा जान, कां खा जान, पक्खू परिंदे बूटियां कीमा हो जाए, ओ जल जाए सड़ जाए जो मर्दी हो जाए, पर मेरा रब अला कुल्ले शैन कदीर। बोलो मेरा रब अला कुल्ले शैन कदीर है, कदीर है। एक बंदा मैनू आंदे कबर च अजाब होएगा हैदर साहब, मखा होएगा, आंदे मैं ते नहीं मंदा। कई बार कबर खड़द नाल दी कबर वेचो कोई रोड़ा वट्टा गीटा कुछ है कटद तो सुराख हो जाते, बारिश होंगी कबर बह जाए ने, तो कई अमानतन बंदे दफन करद कट के पानी आए तो फिर नवी जगह कबर बना दिया, ना कोई बाग होते ना हूर होंगे ना कोई जन्नत ना गल ना बात ना लाणी देनी। मैं तो नहीं मनता कबर च कुछ भी नहीं है, ना कोई जजा है ना कोई अजाब है, मैं तो नहीं मनता कबर च अजाब होएगा हैदर साहब। मैं आख्या कुरान लिया मेरे तो हाथ रखा ले सिर ते रख के, मैं ना अगर तू बगैर तौबा दे मर गया होर तो मैनू नहीं पता, तीनू जरूर होना है, तीनू जरूर होना है। उन्हें कहते ओ की वजह, मैं की कीते, मैं आख्या तू कीते तू इनकार जो करदा है पिया, और तू मुनकर जो होया खड़ा है अजाबे कबर का, मुनकर जो हो गए तो किसी होर नू होए ना होए मुनकर नू ते होने ही होने ना। और मेरे भाईओ गल सुनो, ये बरसख का मामला है। मैं झटका जे बंदा सादी मिसाल नाल तुहानू मसला समझा के अगे चलदे आ, इमाम उलंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों फरमा दिता कि ए कबर जहन्नम दे अगड़ा चुगड़े या जन्नत दे बाघां दे विचों बाघ, बंदा सुता है
सुते ख्वाब दे अंदर बंदा तवज्जो हुण है तुहाडी मेरे बंदा ख्वाब दे अंदर डर जांदा है कहिंदा फिंज हुंदा बंदा डर जांदा है ओ वेंदे कि जंगल है ओ वेंदे बलावां ने ओ वेंदे सप ने ओ इन्ना डरदा है कि उहदे पगर फुट जांदे ने पसीनो पसीनी पसीनो पसीनी वह इन्ना डरदा है कि उहदियां आवाज़ां निकलनियां शुरू हो जांदियां ने नाल दे सुते बंदे घर दे या कोई ओदियां आवाज़ां सुन के जागदे ने तू हिलांदे ने जाग ओए कलमा पढ़ ला इलाह इल्लल्लाह की होया उठ के जागदे आंदे ने की होया वह कलमा आंदे कुछ भी नहीं उहनां कहे तैनूं होया की है उन्हें कहा मैं तो जंगल वेखे ने सप वेखे ने और मैं तो बलावां वेखिया ने चुड़ेलां वेखिया ने जिन भूत मैं तो डर गया वा मेरिया आवाजा तां निकलदियां पईयां ने हुण ईमान नाल दसो ओ जंगल जिन भूत चुड़ेलां उत्थे जंगल पहुंचे सी अपने घर सुत्ते होए सी बोलो सुत्ता तो अपने घर सी ना लेकिन डर हकीकत च गया बोलो डर नहीं हकीकत डरिया ओदे पगर हकीकत च फुटे के कोई ना बोलो पसीने हकीकत फुटे या कोई ना और तुहानू समझ नहीं गल दी आ रही मेरे भाईओ ए मर्द बाप तशरीफ फरमा जे मैं बड़े संजीदा लफ्जा दे नाल तुहानू मसला दस दिंदा वा कई बार गबरू जवान बंदा मर्द बंदे सुते होण ते ख्वाब दे अंदर उहनां ते गुसल फर्ज हो जांदे कि नहीं हो जांदे उठ के आंदे ने मेरे कपड़े गलत हो गए मैं नावांगा कपड़े वटावांगा मुड़ मसीते जावांगा एवें गल है कि कोई ना गल ते ख्वाब दी है बोलो गल ते खाब दिए लेकिन कपड़े गलत सच्ची मुची हो गए कि कोई ना बोलो यार हो गए ना ओ अल्लाह दे ओ बंदे ओ मामला रूह दा हुंदा है बोलो बोलो मामला रूह दा हुंदा है लेकिन ओदे असरात जिहड़े ने जिस्म ते भी हुंदे ने ओदे असरात जिस्म ते भी हुंदे ने जिस्म भावें पानी दी नजर हो जाए जिस्म भावें कां हिल्लां खा जान जिस्म भावें कीमा हो जाए जिस्म भावें जल सड़ जाए जिस्म दी भावें कब्र बने ते भावें ना बने रूह नाल मामला हुंदा है ते जो कुछ रूह दे नाल जज़ा सज़ा बीत दी है मेरा अल्लाह जिस्म ते भी असर कर दिंदा है जज़ा दा भी सज़ा दा भी खुशी दा भी परेशानी दा भी क्योंकि मेरा अल्लाह अला कुल्ले शयइन कदीर है आओ जरा एक कुराने पाक की दलील तुहाडे सामने अर्ज करके ते बात अगे चलाइए इमाम अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सामने एक बंदा आ गया है काफिर बंदा इन्हें कब्रस्तान दे विचो एक पुरानी कब्र दे विचो कोई हड्डी चुक लईए गली हुई सड़ी हुई बुसीदा हुई हड्डी चुक लईए इंज हाथ अंदर करके मेरे हुजूर अली सलाम दे सामने आ गए नाले इंज करके उन्हों मरोड़ी जा रहे नाले भोरी जा रहे उहदे विचो रेत मिट्टी तले गिरदी जा रही है ते नाले आंदा मई ओहो इल्ज़ाम वही रमीम ऐ पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भला ए ते दसोना इन्हां हड्डियां नूं अल्लाह दोबारा जिंदा कर लवेगा इन्हां हड्डियां दे बारे सानू वाद कर दियो इन्हां हड्डियां दे बारे मसले दस दियो इन्हां हड्डियां दे दोबारा जिंदा होण दियां गल्लां कबर दियां कर दियो ना मेरे नबी ने फरमाया हाँ अल्लाह जिंदा कर लेगा आंदे अल्लाह किवें कर लेगा अल्लाह ने मेरे नबी दी जुबान ते अपना कुरान जारी फरमा दिता सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह अज़ीम आओ मेरे भाइयो तवज्जो करना ऐ रब दा कुरान पे पढ़दा सूरे यासीन पारा तियां रकू आखरी हक दा ऐलान पिया करदा फरमाया कुल युही हल्ला दे सुबहान अल्लाह कुल युही हल्ला दे अनशाह अव्वला मर्रा अव्वला मर्रा अव्वला मर्रा अल्लाह दे बंदिया हड्डी लेके आके ते सवाल पे करना है कि रब किवें कबर अंदर जज़ा सज़ा दे लवेगा रब किवें मुड़ी नूं दोबारिया जिंदा कर लेगा फरमाया अव्वला मर्रा हुण ते हड्डी चुके लिया ना एक वक्त सी जदों ये हड्डी भी कोई नहीं सी जदों हड्डी नहीं सी ते फिर के सी ऐ रब तां कुरान पे पढ़दा हक दा ऐलान पिया करदा फरमाया तुम्मा खलकना नुतफा तालका
اللہ دا قرآن سن دے جاؤ, نبی دا فرمان سن دے جاؤ, اپنے ایمانوں نو تازہ کر دے جاؤ. فرمایا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فرمایا اللہ دے بندیا جس طرح اپنے پانی دیاں قطرہ دے وچوں انسان بنا لیا اول مرہ, جس اللہ نے پہلی واری نو پانی دیاں چند قطرہ دے کولوں بنا لیا اوہی اللہ دوبارہ بھی زندیاں کر لے گا. اس واسطے میرے بھائیو رب تے اعتراض نہیں کرنا چاہیے. بولو 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 بولو, رب دے کماں تے اعتراض کرنا چاہیے, اعتراض نہیں کرتا. یہ تو ایویں ہی کر لینا جی جناب ایک بندہ لیٹے ہوئے سی نا, آمدی ٹھنڈی تے سگنی چھان دے تلے لیٹے ہوئے سی نا, انج کر کے لما پے نا گرمی دے دن نے آمد سگنا بوٹے چھان دے تلے لیٹے ہوئے نا, جدو تا آمد بوٹے وال ویندے نا ویندے تے آندے واو اللہ تو انصاف نہیں کیتا, کہو استغفر اللہ انصاف نہیں کیتا. اللہ سائیاں ویکھے نا ایڈا وڈا بوٹا ہے آمدا تے ایڈا سگنا تے ایڈا وڈا درخت ہوندا ہے گھنی چھان تے ایڈے ٹان تے ایڈا درخت تے اودے تے ایڈا سارا پھل تو آمدا لائے تے اے پیلیاں دے اندر اے زمیناں دے اندر مربیاں دے اندر ولی لائیاں ہوندیاں نے اے زمینداراں نے خربوجیاں دیاں ہدواڑیاں دیاں وہ چھوٹی جی ول ہوندی تے ایڈا ایڈا ہدواڑا تو اودے نال پھل لا چھڈے. یا اللہ کوئی انصاف تے نہیں نا, وہ ایڈی ساری والے رسی جنی ہاں جی تلے پئی وہ تو کھڑی بھی نہیں ہو سکتی, نہ چھان جو بھی ہے نہ جناب وہ ایڈا ہدوانا لا چھڑیا ایڈا بوٹا آمدا وہ چھوٹا جا نام لا چھڑیا. یہ وہی گلا سوچتے پیا نہ رب دی قدرت تے اعتراض دیاں. وہ تو کوئی طوطا آ کے بیٹھا کوئی کان پکھو آ کے بیٹھا انہیں چنج ماری جو آم ٹوٹیا نہ بوٹے دے نالو وہ سیدھا آ کے ڈگ گیا آ کے لگا وہ نک دے اتنے جدو دے نک تے لگا نا اٹھ کے بہ گیا آدھے اللہ میں بھول گیا وا تیری ذات تے اعتراض نہیں کرنا چاہیے شکرے تو عمل آئے جے اتھے تو لایا ہوندا ہدوانا جے اتھے تو کدی لایا ہوندا ہدوانا تے پھر آج میرا کم ہو گیا سی. رب دیاں کماں تے بولو اعتراض کرنا چاہیے, اعتراض نہیں کرنا چاہیے رب دیاں کماں تے اعتراض نہیں کرنا چاہیے. آؤ میرے بھائیو میں اس واسطے عنوان شروع کر دیتا ہے میدان بھائی توجہ کرنا, بھائی نومی توجہ فرمانا نا, کچھ میں اس واسطے بھی عرض کرنا چاہنا میرے بھائیو کہ اے انڈیا دی اندر ایک نکو نام دا بندہ ہوئے نا لاگر نا یوٹیوب تے لاگز بناندا ہوندا ہے نا, انہیں اگلے دن پاکستانیاں دی توہین کیتی ہے, انہیں مسلماناں دی توہین کیتی ہے, انہیں جناب قبر دی مزاق اڑایا انہیں توہین کی نا, انہیں آرٹیفیشل ایویں مصنوعی جی قبر بنائی ہے نا, انہیں کہ میں 24 گھنٹے قبر دے اندر گزارا گا, یعنی رب دا مقابلہ ظالم کرن لگ پیا ہے نا, انہیں قبر دے اندر بتی لائیے, انہیں قبر دے اندر موبائل تے چارجر دا سارا نظام بنائے, انہیں قبر دے اندر لائٹنگ کیتی ہے کیمرہ لائے, انہیں قبر دے اندر ڈیک لائے, انہیں قبر دے اندر بستر لائے نے, انہیں قبر دے اندر روشنیاں کیتیاں نے, انہیں قبر دے اندر ایک سوراخ بھی رکھے ایک پیپ بھی رکھے جہدے وچ روشنی بھی آ جاوے تے ہوا بھی آ جاوے نا, سارا کچھ انہیں جدو کر لینا تے بڑا خوش ہے. وہ ظالم مسلمانہ دا مذاق پیا اڑا دے, وہ ظالم قبر دا مذاق پیا اڑا دے, وہ ظالم اللہ دا مقابلہ پیا کرتا ہے نا, تے قبر دے اندر ڈیک بجا رے تے انہیں ڈانس شروع کر دیتا وے. اللہ میری توبہ, ایویں جناب قبر نے ڈانس شروع کر دیتا ہے نا, ڈانس شروع کر دیتا ہے نا, اللہ اکبر. تے انہوں نے غلطی کرنی نہیں چاہیے سی, اور ہویا کی پھر میرے بھائیو اللہ دے کماں دے اندر دخل نہیں کرنا چاہیے, اللہ دے کماں دے اندر ٹنگا نہیں اڑانی چاہیے, تیرا اپنی قدرتاں تے اعتراض نہیں کرنا چاہیے میرے بھائیو. ہویا کی ہے اچانک کوئی آسار نہیں نے
कोई मौसम खराब नहीं है। यक यक बदल बन जाते ने, यक यक बारिश आ जाती है, एडा तूफान आंदे, एडी सखत बारिश आंदी है, बारिश नाल साला बारी भी शुरू हो जाती है, बारिश नाल ऐन भी शुरू हो जाती है, बारिश नाल औले भी बरसन लग जाते ने, बारिशा ते तूफाना दे नाल रब दा दा भी आ जाता वे। जड़ वेलो सजना पैप दे विचों पानी थले डिगे ना, तो उन्हें क्या वो मार कड्डो बार कड्डो, कबर उन्होंने दब छड़ी सी उत्ते मिट्टी पा छड़ी सी, जो पानी अंदर वड़ना शुरू होए ना उदा सांस तंग होना शुरू हो गए, जो मरण करीब होए ना उदो रौला पाते कढ़ लो कढ़ लो कढ़ लो कढ़ लो। बड़ी मुश्किल नाल टेंट लगा के, बड़ी मुश्किल नाल उत्ते जनाब कलियां ताण के तंबू की शकल के अंदर वो मिट्टी हटा के गारा बन गया, चिक्कड़ बन गया, ते बड़ी मुश्किल नाल उन्हों विचो कड़े, जदो कड़िए ते बेहोश होया पे वे, जदो कड़िए ते बेहोश होया पे, जाओ जाके पता करो आज हस्पताल दे अंदरों मौजूद है ना। अल्लाह जाने ऐसे अजाब अंदर आए उदा साई नहीं बार आ रहा, उदा साई नहीं निकल रहा, बेहोशी की हालत दे अंदर गल ही नहीं होंगी, अल्लाह की पकड़ अंदर आ गया वे, अल्लाह की अजाब अंदर आ गया है। रब दियां कम अंदर हाथ नहीं बना चाहिए, रब दियां कम अंदर टंग नहीं आनी चाहिए, कबर दा मजाख नहीं होना चाहिए। मेरे भाईओ मैं सोच रहा सा इस वाके दे नाल, जिहड़े गैर मुस्लिम ने उन्होंने तो बड़ा सबक हासिल कर ले, जिहड़े कबर नू नहीं मनते सन काफर सन इंडिया दे, उन्होंने तो सामने रब ने खोल के हर शह रख छड़ी है ना। लेकिन मैं अपने मुसलमान भरावां नू कहना चाहना, मुसलमानों ओ बंदा सारे इंतजाम करके खाण दे पीण दे, मोबाइल दे बत्ती दे डेक दे बिस्तर दे सराने दे तकिए दे सारियां सहूलतां करके कबर दे अंदर 24 घंटे वास्ते दफन होए ना, ओ ते एक रात भी नहीं कंड सकिया। अल्लाह दे ओ बंदियो खाली हाथ बगैर अमलां दे असी किवें गुजारा कर लवांगे, खाली हाथ बगैर अमलां दे असी किवें गुजारा कर लवांगे कबर दे अंदर, ओ ते कर रात भी नहीं तनहाई अंदर गुजार सकिया। अल्लाह दे ओ बंदे आपां सारी जिंदगी हशर तो पहले पहले किवें ओ दे अंदर गुजार लवांगे, आओ जरा गल सुनदे जाओ जिहड़ी गुजारिश मैं अर्ज करना चाहुंदा वां। कबर की पहली रात, हजरत अली रजी अल्लाह तआला बयान करदे ने, अम्मी आयशा रजी अल्लाह अन्हा बयान करदियां ने, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हा बयान करदे ने, मेरे नबी दे सहाबा बयान करदे ने के साडे नबी सोने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों अल्लाह दा कुरान पढ़ के सुनाया ना, पहले असी लोग कबर दे अजाब दे बारे दे अंदर सोचो विचार करदे सां, कबर दे अजाब दे बारे अंदर असी ख्याल करदे सां कि अल्लाह जाने किवें दा मामला होएगा। लेकिन जदों अल्लाह ने कुरान नादिल कर दिता, सूरे तकासर नादिल कर दिती है, साढ़े सारे मुगलते कुरान ने दूर कर छटे हैं। कित्थे लिखिए ऐ रब दा कुरान प्या पढ़दा ते हक दा ऐलान प्या करदा, फरमाया अलहाकुम तकासुर, मैनू हुक्म फरमाया कारी अकरम साहब ने कुरान बहुत हैदर साहब सुनाना है, सुनो अल्लाह दा कुरान। फरमाया कसरत माल 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 कसरत माल ये हुई तुहानू लै के बह गया, फरमाया हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, हत्ता के तुसा कबरां दी ज़ियारत कर ली, हत्ता के कबरां दे अंदर तुसी पहुँच गए। कल्ला सौफा तालमूना तुम कल्ला मेरे नबी जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अल्लाह ने अपना कुरान नाज़िल फरमाए। जिहड़ा बंदा आखे ना कबर शबर कोई नहीं है, ये कबर नहीं है कोई होर कबर है, ये कबर नहीं है उत्ता कबर है, ये कबर नहीं है आगा कबर है, इस कबर नू जिहड़ा कबर नहीं ना मंदा उन्हों अल्लाह दा कुरान पढ़ के सुना दे अजे कि अजे हैदर अल्लाह दा कुरान सुना के गया है। फरमाया हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, मैं कुरान पढ़ रहा ऐ रब दा कुरान पे पढ़दा ते हक दा ऐलान प्या करदा, फरमाया तुम मा अमाता हो फाकबरा,
अल्लाह फरमा दे फिर तुहाडे ते मौत आएगी फिर तुहाडियां कब्रां भण जाण गियां। एक होर मकाम अल्लाह दे कुरान दा, ऐ रब्बा दा कुरान पे पढ़दा सूरे तौबा पारा ग्यारवां हक दा ऐलान पिया करदा फरमाया लंगा सल्ले अला अहदिम मिनहुम माता बदा वला तकुमाला कबरे वला तकुमाला कबरे केड़ी कबरे जिदे तू अल्लाह मेरे नबी नू हुक्म फरमा रहे ने ला तकुमाला कबरे केड़ी कबरे जिदे बारे मेरे नबी नू अल्लाह कह रहे हैं ला तकुमाला कबरे केड़ी ए हुई कबर है ए हुई कबर है इन्ना मल कबरो रोजा तुम मेरे हासिल जन्ना मेरे नबी फरमाते ने हुई कबर जन्ना दिया बाघा में चो बाग बन जाती है या जहन्नम दे अगणा दे विचों घड़ा बन जाती है। मेरे भाइयों कबर दे अंदर हारने जाना है नेके उन्हें भी कबर अंदर जाना है बादे उन्हें भी कबर अंदर जाना है। नबी वली रसूल पैगंबर बड़े बड़े गुजरे हैं वह भी दुनिया छड़ के चले गए हैं ते बड़े बड़े काफर भी गुजरे हैं फिरौन वर्गे हमान वर्गे शद्दाद वर्गे अबू जाल वर्गे नमरूद वर्गे बड़े बड़े काफर दुनिया तो गुजरे हैं नेक या बद बोलो किसे ने रहना किसे ने नहीं मेरे भाई रहना किसे ने दुनिया ते रहना। अल्लाह वाला दे अल मौत तो कद होल कुल्लो नफ्सिन शारिबुहा वल कब्रो बाबुल कुल्लो नफ्सिन दाखिलुहा फरमाया मौत एक ऐसा जामे जड़ा हर ने पीने ही पीना वे और कब्र एक ऐसा दरवाजे जिदे विचों हर एक ने लंघना ही लंघना है। कहाँ सुलेमान कहाँ सिकंदर कहाँ है जमोर कहाँ है दारा ये सब के सब खाक के थे पुतले मिटा डाले बना बना कर मुसाफराने राहे आदम को ये कैसी नींद आ गई इलाहे के जब से सोए फिर न जागे जब से सोए फिर न जागे थक गए हैं बोला बोला कर ते सारे नहीं दुनिया छड़ जानी है ना अल्लाह काफिर तो उन्हें भी नहीं रहना मुसलमान तो उन्हें भी नहीं रहना ना हर एक ने छड़ जाने मौत जाव पीने ते कबर दे दरवाजे जो लंघने ही पैने कबर की पहली रात उनवान जिक्र कर रहा हाँ सिर्फ रात हैदर मसला रख रहे तेरे सामने कबर की पहली रात मेरे भाइयो ए रब दा कुरान पे पढ़दा ते हक दा ऐलान पे करदा फरमाया कुल्लो नफसिन ज़ाइकतुल मौत रब दा कुरान पे पढ़दा सूरे रहमान पारा सताया हक दा ऐलान पे करदा फरमाया कुल्लो मन अलैया फान वाया बका वजहु रब्बे का जुल जलाली वल कराम रब दा कुरान पे पढ़दा ते हक दा ऐलान पे करदा फरमाया कुल्लो शैन हाले कोना तर्जमा सुन लेना तर्जमा ना धुप रहनी ना छां बंदिया ना प्यो रहना ना मां बंदिया तर्जमा सुनो ते तड़पते जाओ ना अल्लाह उनवान ऐसे कबर की पहली रात। लेकिन मैं कोशिश करदा थोड़े जौक दा जज्बात मैं कदर करा ख्याल रखा ना धुप रहनी ना छां बंदिया ना प्यो रहना ना मां बंदिया हर शैन आखिर मुक जाना बाकी रहना रब दा ना बंदिया ना धुप रहनी ना छां बंदिया ना प्यो रहना ना मां बंदिया जेड़े फुल सवेरे खिड़दे ने सब शामा नू मुरझा जांदे ए दावे वादे सब बंदिया एक पल विच रौंद मिटा जांदे तू मैनू मार मुका बंदिया उड़ीकदियां कबरां बंदिया तू मैनू मार मुका बंदिया हर शैन आखिर मुक जाना बाकी रहना रब दा ना बंदिया
कबर दे अंदर जदों रात आती है ना, एक रात कबर अंदर गुनाहगार नू आउंदी है, एक रात कबर दे अंदर नेकोकार नू आउंदी है, एक रात कबर दे अंदर गुनाहगार नू आउंदी है, एक रात कबर दे अंदर नेकोकार नू आउंदी है। गुनाहगार बंदे दे नाल कबर दी पहली रात अंदर की मामला बनदा वे, ते नेकोकार बंदे दे नाल कबर दी पहली रात अंदर की मामला बनदा है। जिहड़े वेले गुनाहगार दी मौत दा वक्त करीब आंदे ते ओहदे कोल फरिश्ती अल्लाह मेरी तौबा बड़ी डरावनी शक्ल अंदर आउंदे ने, बड़ी डरावनी शक्ल दे अंदर होंदे हैं फरिश्ते ओहदे कोल। अल्लाह अकबर, ओह लुकदी फिरदी हुंदी है, रूह लुकदी फिरदी हुंदी है। फरिश्ते आउंदे ने गुरज़ां लै के आउंदे ने, मेरे भाईओ सुनो ध्यान दे नाल, गुरज़ गुरज़ दा नाम सुनिया होएगा, गुरज़ दा नाम सुनिया होएगा। ये कोई दुनिया का गुरज़ नहीं है, ये कोई दुनिया का हथौड़ा नहीं है, बल्कि जिहड़ी गुरज़ अल्लाह बयान करदे ने, अल्लाह दे नबी ने दसी है, जिस गुरज़ दे नाल कबर दी पहली रात अंदर गुनाहगार बंदे नूं मारां पैणियां ने, ओह गुरज़ कैसा सीए। मेरे नबी फरमाते ने, लोगो अगर सारा जहान जमा हो जावे, अल्लाह मेरी तौबा, मेरे अल्लाह माफ फरमा दी, आमीन आखो, या अल्लाह माफ फरमा दी। मेरे नबी फरमाते ने, अगर सारा जहान इकट्ठा हो जावे, सारी दुनिया जमा हो जावे, सारी कहना जिन इंसान मिल जाना, अगर उस गुरज नूं उठाना जान, उठा नहीं सकणगे, बल्कि हिला भी नहीं सकणगे। अल्लाहु अकबर, तौबा तौबा मेरे अल्लाह तौबा। ओ गुरज होएगा, फरिश्ते गुरज मारदे हैं, फिर उस रूह नूं कढ़दे हैं, फिर रूह गोडियां दे अंदर, फिर सीने दे अंदर, फिर कफस इंसरी दे विच, ते जिहड़े वेले लैके जांदे ने फरिश्ते उस रूह नूं आसमान वाले पासे, आसमान दे दरवाजे नहीं खुलदे, आसमान दे दरवाजे नहीं खुलदे, आंदे ने लै जाओ बदबख्त नूं परे लै जाओ खबीस नूं लै जाओ गंदे नूं लै जाओ गुनाहगार नूं लै जाओ। अल्लाह दे बंदिया, अल्लाह दे बंदिया, जे अल्लाह ना करे इंज दी धुदकार तेरे मेरे हिस्से अंदर आ गई, ते फिर कबल दी पहली रात अंदर मामला की बनेगा, कबर दी पहली रात अंदर मामला किवें बनेगा। मेरे नबी फरमाते ने, कबर तक बंदे दे नाल तीन चीज़ां जांदियां ने, माल भी नाल जांदे, रिश्तेदार भी नाल जांदे हैं, अमाल भी नाल जांदे हैं। रिश्तेदार भी वापस आ जांदे ने, माल चारपाई चादर ये सारा कुछ ये भी वापस आ जाता है। अगर कबर दी बंद कोठली अंदर बंदे दे नाल रहिंदे ने, ते कीते चंगे अमाल नाल रहिंदे ने, जिथे कोई कम ना आवे उथे तेनों नमाज रोजा कम आएगा, जिथे कोई कम ना आवे उथे तेनों नेकी कम आएगी। मेरे भाईओ सुनो मुहब्बत और प्यार दे नाल, मगर गुनाहगार नूं जिहड़ी कबर दे अंदर पहली रात आउंदी है ना, फरिश्ते आ रहे हुंदे ने, किवें आ रहे हुंदे ने, मेरे नबी ने फरमाया उहनां दीआं अखां बड़ियां बड़ियां हुंदियां हैं, और उहनां दे दंद ऐ गां ते दांद इहनां दीआं सिंगां सिंगां जिहड़े दंद हुंदे हैं, और बड़ियां बड़ियां अखां हुंदियां हैं, और जनाब आ रहे होंदे ने जमीन पटदे हुए आ रहे होंदे हैं, और जमीन चिटदे ते खांदे हुए आ रहे होंदे ने, खौरू करदे आ रहे होंदे ने, कबर दे अंदर जमीन पटदे आ रहे होंदे हैं, और जमीन चिटदे हुए आ रहे होंदे हैं, और वाजा निकालदे आ रहे होंदे हैं, इंज वाजा निकालदे ने। मेरे नबी ने फरमाया जिवें आसमान की बिजली कड़कदी है, जिवें आसमान की बिजली कड़कती है ना, ऐसिया खतरनाक आवाज़ा, ऐसिया खतरनाक। अगले दिन बारिश अंदर एक जगह पर बिजली डिगी है, मुल्तान बहावलपुर के इलाके के अंदर, वो जगह की तस्वीर मीडिया वाले विखा रहे सन, आंद ने वो सड़क भी पक्की, उत्थे भी जनाब सुराख हो गया वे, और थले तक पन्ने किन्नियां तैवां जमीन दियां सड़ गईयां हैं आसमानी बिजली दे डिगण दे नाल। ते मेरे भाई उहनां दियां आवाज़ां इंज होणगियां जिवें आसमानी बिजली कड़कदी है ना, पहले ही दिल डर जाणगे, पहले ही दिल डर जाणगे, ते जदों आणगे ना इस गुनाहगार दे कोल, ते गुनाहगार नूं आके की आखणगे, आखणगे मन रब्बो का दस कदरा तेरा रब कौन है। ते जिन्हें रब का मजाक उड़ाया, जिन्हें मसीतां का मजाक उड़ाया, जिन्हें दरसां का मजाक उड़ाया, जिन्होंने मौलवियों का मजाक उड़ाया, जिन्होंने नातखाना का मजाक उड़ाया, जिन्होंने हाफजा ते कारियां का मजाक उड़ाया, जिन्होंने दरसा ते मसीतां ते नमाज ते रोजे का मजाक उड़ाया, जिन्होंने दीन का मजाक उड़ाया, जिन्होंने मुजाहिदां का मजाक उड़ाया, जिन्होंने गाजियां का मजाक उड़ाया, जिन्होंने शहीदों का मजाक उड़ाया, जिन्होंने खिदमत खलक वालों का
मजाक उड़ाया, जिन्होंने फला इंसानियत वाले का मजाक उड़ाया, जिन्होंने गिट्टा नंगा रखने का मजाक उड़ाया, जिन्होंने नबी की सुन्नत दाढ़ी का मजाक उड़ाया, और जिन्होंने जुल्फा मेरे नबी की सुन्नत का मजाक उड़ाया, जिन्होंने अमामे का मजाक उड़ाया, जिन्होंने मिसवाक का मजाक उड़ाया, जिन्होंने इतने हर वेले मौलवी वेखो जी मौलवी लगा है आते ने छोटे फिरा दी शलवार पाई फिर वे अगे कोई पानी है सुथण उत्ते क्यों कती फिर है, जिन्होंने गिट्टा नंगा रखने का मजाक उड़ाया, जिन्होंने मजाक उड़ाए ने अल्लाह रसूल ते दीन दे, उन्होंने जवाब नहीं आएगा, आखण गे हा हा लादरी सानू कोई पता नहीं है रब किनू आंदे ने, अल्लाह मेरी तौबा सानू कोई पता नहीं है रब किनू आते ने, रब का नाम जबान ते नहीं आएगा जदों दुनिया ते सजदा रब नू कीते ही कोई नहीं है, और दूजा सवाल करांगे कहणगे मन नबीओ का दस ओए नबी किनू आते ने, कबर की पहली रात आखणगे दस मन नबीओ का नबी किनू आते ने, इन्हें कदी नबी दियां सुनतां ते चले ही कोई नहीं है, नबी दे आखे लगे ही कोई नहीं है, नबी दे तरीके ते चले ही कोई नहीं है, खुशी खमी दे अंदर ये मुसलमान लगते ही कोई नहीं है, कंजर ले कम ने गाने सुनद्या जिंदगी लंघ रही है, ड्रामे वेंद्या जिंदगी लंघ रही है, फिल्मा वेंद्या जिंदगी रंग रही है, स्टेज शो ते ठेठरां नूं पसंद करता है, झूठ बोलते गल गल नाल हराम खांदा है, सूदी कम करता है, कारोबार पैसा लैण देण सारा सूदी है, शराब पींदे जिना करता है, गुनाहां ते बुराइयां ते बेहयाइयां दे अंदर अपना वक्त गुजार रहा है, इनू नहीं पता लगेगा कि की जवाब मैं देवां, ओए पैणगे मन नबीओ का तेरा नबी कौन आखेगा हा हा ला गदरी मैनू नहीं पता मेरा नबी कौन है, फरिश्ते पुछणगे मां दीनो का तेरा दीन की है, आखेगा हा हा ला गदरी, ना कदी नमाज सिद्धी कीती, ना कदी जनाजा पकाया, ना कदी ईदां दा तरीका आया, ना कदी जनाजे दियां दुआं आईयां, ना कदी गुसल दा पता कीता, ना मौलवी कोलों पुछया, ना दस्या, ना सिखिया, ना कीता, ना गया, ना आया मस्जिद दे अंदर, ना उलमा दी बैणी कदी बैठा, ये आखेगा मैनू कोई पता नहीं है दीन की आख्या जाता है, फरिश्ते जवाब दे अंदर इनू गुरस मारणगे चकना चूर हो जाएगा, अल्लाह अकबर उतो आवाज आएगी चकना चूर हो जाएगा, जदों चकना चूर होएगा ना कब्र की पहली रात किड्डी मुश्किल है मेरे भाईओ, कब्र की पहली रात किड्डी मुश्किल है, इत्थे एक मिनट बत्ती बंद होवे पखा बंद हो जाए तो साडा दिल घाबर जाता है, साडा रूह परेशान हो जाता वे, तो जे लाइट चली जाए आंदने मंजी बहर कढ़ लवो, लाइट चली जाए आंदने छत ते मंजी पा लो, लाइट चली जाए आंदने बहर खुली जगह ते किसे रुख दे थले चले जांदियां, अगर बत्ती चली जाए आंदने प्लेटां ला देवो, बत्ती चली जाए आंदने जनरेटर ला देवो, बत्ती चली जाए आंदने जनाब पेट्रोल ते जनाब जनरेटर चला देवो, बत्ती चली जाए किन्नी किन्नी वार बंदा ना हाल लैंदा है, एक मिनट वास्ते जरा गौर करना तवज्जो दे नाल सोचना, ए कबर किन्नी सारी हुंदी है, ओए कबर दी किन्नी जगह हुंदी है, अल्लाह अकबर चार हाथ जगह कबर दी हुंदी है ना, बल्कि इहदे तों भी थोड़ी कबर हुंदी है, इहदे तों भी सौड़ी कबर हुंदी है, जरा सामी ते गौर करो, सामी ते गौर करो ना, इस पासों भी इट्टां हुंदियां ने, इधरों भी इट्टां हुंदियां ने, दरमियान अंदर सामी दी इन्नी क जगह हुंदी है जिहदे अंदर बमुश्किल मैयत पूरी आंदी है, अल्लाह उत्ते फिर पुड़ रख दिते जांदे ने, फिर उत्ते मिट्टियां पा दित्तियां जांदियां हैं, पैरां आले पास भी ता हद ने गां मिटियां ही मिटियां, सिर आले पासे भी ता हद ने गां मिटियां ही मिटियां, सज्जे भी मिटियां ही मिटियां, ते खब्बे भी मिटियां ही मिटियां, थले भी मिटियां ही मिटियां, ते उते भी मिटियां ही मिटियां, इतनी सामी सामी हुंदी है, सौड़ी सामी हुंदी है, कबर दी बंदा उठ के भी नहीं बह सकता, एडी सामी सौड़ी हुंदी है कबर दी, बंदा पासा भी नहीं परत सकता, बंदा करवट भी नहीं बदल सकता, इत्थे ते जनाब बंदा रात गुजार रहा होवे, अगर बंदे दे बिस्तर दे अंदर फर्क आ जावे, बंदे दी मंजी अंदर फर्क आ जावे, और बंदे दी दोर सिराने खेस अंदर फर्क आ जावे, और बंदे दे सिराने अंदर फर्क आ जावे, ते बंदा सवेरे उठ के सारे घर वाले नाल लड़न लग पैंदा है, आंदे रात मैनू सिराना किहड़ा दे छड्डे जे, मैनू बड़ा मोटा सिराना दे छड्डे जे, मेरा मझे प्रति गया वे, मेरी गर्दन अंदर गिची अंदर दर्द हो रहे पीड़ हो रही है, अल्लाह दिया बंदिया कबर अंदर बैड भी कोई नहीं, सिराने भी कोई नहीं,
कबर दे अंदर दौरा भी कोई नहीं, कबर दे अंदर अल्लाह कोई सहूलत कोई नहीं है, कबर का समान खुद नाल लैके जाना पेगा, कबर की पहली रात इंतजाम आप करना पेगा, कबर रोज आवाज मार के आती है, कदें गिया कर कब्रस्तान के अंदर, कब्रस्तान के अंदर कदी जाके वेख्या करना, ये कबर तेरे मेरे वास्ते इबरत दा निशान है, रोज कबर याद कर दिए, तू तो मैं याद करिए या ना करिए कबर की आवाज़ा मार दिए, आंदी उथों बाल ले आवी दीवा मैं विच सखत अंधेरा मैं विच फराश फराश ना कोई अते फराश बनावी मेरा, कबर आंदी अल्लाह दे बंदिया मेरे अंदर कोई बिस्तर नहीं, आप इंतजाम करके आना है, ये जनाब फिर रोंदे चीखदे कुरलांदे जिहड़े वेले हाल बूबू ते रौला पांदे ना, अल्लाह फरमांदे नूं तां आवाज़ आउंदी है मुनकर नकीरो मेरे फरिश्तो दी आवाज़ बंद कर देवो, बदबख्त दी इस ज़ालम दी आवाज़ बंद कर देवो, या अल्लाह दी आवाज़ किवें बंद करिए, या अल्लाह गुरज लग रहे हैं, या अल्लाह इन असी सदावां दे रहे हैं, या अल्लाह चीखना तो है इन्हें कुरलाना तो है इन्हें, अल्लाह तेरे बंद करो इदी आवाज़, इदी आवाज़ ना निकले कोई ना सुने, अल्लाह ते मेरे नबी ने फरमाया जो रोंदे ना कुरलांदे कबर की पहली रात के अंदर मैयत नूं अज़ाब हुंदा ना, फरमाया जिन्ना ते इंसाना दे अलावा दुनिया कैनात दी हर चीज़ उहदा चीखना ते रोना सुनदी है, जिन्ना ते इंसाना तो इलावा हर चीज उदा रोना ते चीकना सुनती है ना, मेरे भाईओ कबर दी रात पहली बड़ी औखी है ना, या अल्लाह किवें दा चीकना बंद करिए ना, अल्लाह फरमांदे ने मैं बंद कर लैंदा वा, तौबा अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह अकबर बड़ा मुश्किल जे मेरे सामने मंदर आ गया हदीसे पाक दा, किवें अल्लाह बंद कर दे, अल्लाह ने मैं ही दी आवाज बंद कर दा वा, अल्लाह जमीन नूं आर्डर कर दे ने, अरे जमीन जमीन वालों आवाज आती है जी रब्बे करीम, अल्लाह फरमाद ने इंज कर दौड़ के सजो खबो आ इनू चकना चूर करके रख दे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, कबर दौड़ क्यों आती है, मेरे नबी ने इंज करके इशारा फरमाया, मिडो देखी इंज करके मेरे नबी ने इशारा फरमाया, इंज में एक हाथ दिया उंगला इंज दूजे हाथ दे अंदर इंज दाखल हो जांदियां ने, मेरे नबी ने फरमाया सज्जे पासे दियां पसलियां खब्बे पासे दाखल हो जांदियां ने, ते खब्बे पासे दियां पसलियां सज्जे पासे दाखल हो जांदियां ने, अल्लाह दे मैं इहदी आवाज बंद कर लैंदा वा, बंदा ते चकना चूर हो जांदा है, गुट्टे कबर शिकंजा देवे हड्डियां भन्न मरोड़े मुँह सिर गर्दन चूर करे अज अज नौ भी ओ खेड़े, कबर बंदे नूं इंज करके शिकंजा चढ़ा दिंदी है, आओ मेरे भाईओ सुनदे जाओ ना, इत्थे गुनाहगार बंदे दा हाल है, इत्थे गुनाहगार बंदे दा हाल है ना, ते हुण जिहड़ा नेकोकार बंदा है ना कबर दी पहली रात अंदर उहदा की हाल हुंदा है ना, गुनाहगार बंदे दा सुन ले ना, मैं इत्थे बंद करना चाहना, उनवान लंबे बयान लंबे लेकिन वक्त इजाजत नहीं दिंदा, जिहड़े वेले नूं अज़ाब आउंदे ने ना अल्लाह की फरमांदे ने, अल्लाह फरमांदे ने इंज करो इहदी कबर दे अंदर जहन्नम दी अग भर देवो, अल्लाह मेरी तौबा अल्लाह मेरी तौबा, जल जिन्ने आए बैठे ने आखर तक मरकज सारा भरे हुए, जल ना सारियां नू कबर दे अजाब कोलो बचा लवी, जिहड़ियां मेरियां मावां भैणां आईयां बैठियां ने अल्लाह इन्हां नू कबर दे अजाब कोलो बचा लवी, अल्लाह फरमांदे ने फरिश्तियो इस जालिम गुनाहगार मुनाफिक झूठे बेनमाज हराम खाण वाले अल्लाह रसूल नू ना याद करन वाले इहनू जनाब लिबास भी अग दा पवा दिओ, इहनू जनाब बिस्तर भी अग दा दे देवो, और इहदी कबर भी अग दे नाल भर देवो, अल्लाह साडे इलाके दे कमले बंदे सहाबा दे दुश्मन ते मुनकर बंदे गल आ गई है उनवान कोई भी होवे मेरी मजबूरी है मेरे जज्बात नूं समझना, सहाबा दी गल कीते बगैर मैं रह नहीं सकदा, अल्लाह सहाबा दा प्यार नसीब फरमाए, अल्लाह अल्लाह से आबा दा प्यार नसीब फरमाए ना, ता ही सरैकी इलाके दा शहजादा तड़पिया ते मुहब्बत नाल कहंदा है बहुत तंग इबलीस दे बाल बस हाल कनू बेहाल पाकां दे रुतबे
ਤੇ ਕਮਾਲ ਸੁੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਦੀਰ ਤੇ ਖਾਲਕ ਦਾ ਹੈ ਵਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਿੱਦੀਕ ਉਮਰ ਉਸਮਾਨ ਕਰਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ। ਅਜੀਬ ਅਜੀਬ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਲਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਲਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਟ ਆ ਗਈ, ਰੁਕਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੈਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮਸਲਾ ਕਵਾਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹਾਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਖੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਹਦੀਸ ਮਖਾਂ, ਆਖੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਨੰਗੇ ਸਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਨਮਾਜ਼ ਬੋਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸੀਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਏ ਅਤੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਵਲਾ ਇੰਝ ਨਮਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੜੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਸਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇੰਝ ਨਮਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੰਗੇ ਸਿਰ? ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੋਲੋ, ਨੰਗੇ ਸਰ ਨਮਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ? ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਖੜਾ ਵਾਂ, ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ, ਬੋਲ ਛੱਡੋ। ਨੰਗੇ ਸਰ ਨਮਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਰਾਨ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰਖਾ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਲਵੀ ਹੈਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦੀ ਹੈ ਨੰਗੇ ਸਰ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਵਹਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਲਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨੰਗੇ ਸਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ, ਗੱਲ ਲੱਗਲੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ ਹੈਦਰ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨੰਗੇ ਸਰ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਆਉਂਦੇ ਲੈ ਇਹ ਕਿਉਂ? ਮਖਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਜੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਸੋਚ ਤੂੰ ਕੌਣ ਏ। ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਇਹ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਓਏ ਜਾ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਮੱਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਐ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਲਾਈਵ ਵੇਖ ਲੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈ ਹਜ ਉਮਰਾ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਲਾਂਦਨੇ ਟਿੰਡਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਜਾਵੋ, ਵਾਲ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਵੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਕੱਪੜੇ ਬਗੈਰ ਵਾਲਾਂ ਬਗੈਰ ਟਿੰਡਾਂ ਸਣੇ ਤਵਾਫ ਅਤੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਣ। ਲਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਅਟੇਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਏ? ਬੋਲੋ, ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੁਕਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਤੋ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪਿਆ ਪੜਦਾ ਪਾਰਾ ਤੀਵਾਂ ਸੁਰਾ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਛੇਕੜੀ ਹੱਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਤੋ ਹੰਨਾ ਫਸਲ ਮੁਤਮਾਇਨਾ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ ਨਾ, ਫਰਮਾਏ ਯਾ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਦੇਖੋ, ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ, ਕੁਰਾਨ ਸੁਣੋ, ਫਰਮਾਏ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਬਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਯਾ ਅਯਾ ਤੋ ਹੰਨਾ ਫਸਲ ਮੁਤਮਾਇਨਾ 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 ਮੁਤਮਾਇਨਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੂਹ ਕਬਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਲਾਮੁਨ ਅਲੈਕੁਮ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ, ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾ ਤੂੰ ਹੰਨਫਸੁਲ ਮੁਤਮਾਇਨਾ। ਵੇਖੇ ਨਾ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸ਼ੇਖ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਖ ਇਲਮ ਦਾ ਪਹਾੜ, ਇਲਮ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ, ਉਹ ਇਲਮ ਦਾ ਦਰਿਆ, ਉਹ
जमात दे हीरे ते बड़े वड्डे शेख मुहद्दिस पाकिस्तान हजरत भुटवी साहब रहमतुल्लाह ताला लाए मुरीद के अंदर उन्हां दा जनाजा होए ना इलम दा पहाड़ चले गया वे इलम दा समंदर दुनिया तो चले गया एडे वड्डे आलमे दीन एडे वड्डे मुहद्दिस एडे वड्डे शेख और खुदा दी कसम पाकिस्तान दी अवाम ने बल्कि बैर मुल्कां तक भी दुनिया ने जिन्हां ने उन्हां दा जनाजा वेखे दुनिया पुकार उठियां ने जनाजे बड़े बड़े जरनैलों करनैलों के वेखे जनाजे बड़े बड़े सदर वजीर के वेखे जनाजे बड़े बड़े मुशीर से सियासतदान के वेखे जनाजे बड़े बड़े बादशाहों के वेखे जनाजे बड़े बड़े मौलवियों के वेखे ने जनाजे बड़े बड़े लीडर के वेखे ने जनाजे बड़िया बड़िया तंजीमों के वेखे ने जनाजे बड़िया बड़िया जमातों के वेखे ने पर खुदा की कसम जनाजे अंदर आलम ही आलम नजर आते सन सज्जे वेखो तो आलम नजर आ रहे हैं खब्बे वेखो तो आलम नजर आ रहे ने कतार अंदर वेखो तो आलम नजर आ रहे ने नमाजी ते तालिब इलम ते हाजी ते हाफिज ते कारी ते मुजैद नजर आ रहे ने दाड़ियां वाले बुजुर्ग इन्नी दुनिया गई है जनाजे दिंदर खुदा दी कसम इमाम महमद बिन हम्मल दे जनाजे दी याद ताजा हो गई है अल्लाह अल्लाह इमाम साहब दे जनाजे दी याद ताजा हो गई है ओ लोगो शाना दा उदों पता लगदे जदों जनाजे निकलदे ने अजमतां दा उदों पता लगदे जदों जनाजे उठदे ने ना किन्ना बड़ा इलम दा पहाड़ दुनिया तो चले गए अल्लाह करी के रहमत फरमावे शेख बुटवी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह मेरे भाईओ जिहड़े वेले नेक बंदा दुनिया तो जांदे फरिश्ते इस्तकबाल करदे हैं किथे लिखिए ऐ रब दा कुरान पिया पढ़दा हक दा ऐलान प्या करदा फरमाया तनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्लाह दे मलाइका उतरे आंदे खैन और आंदे अल्लाह तखाफू वला तहज़नो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह तखाफू वला तहज़नो गम ना करी खौफ ना करी तेरी माँ रो रही है तेरा प्यो रो रहा वे तेरिया भेण रो रही ने तेरे वीर रो रहे ने तेरी बीवी रो रही है तेरे निके निके मासूम बच्चे रो रहे ने तेरिया धिया कोल खलो के रो रही ने तेरे कजन रो रहे हैं तेरे रिश्तेदार रो रहे हैं तेनू अपना घर भी नजर आ रहे तेनू अपनी बैठक भी नजर आ रही ने तेनू अपना थे भी नजर आ रहे वे तेनू अपने महल्ले ते गलियां भी नजर आ रही ने तेनू अपना देश ते रिश्तेदारी भी नजर आ रही है लेकिन फिक्र ना कर अल्लाह तखाफो वाला तहज़नो गम ना कर फिक्र ना कर परेशान ना हो तेरी परेशानी खत्म हो जाएगी किवें अल्लाह फरमा दे वा बशीरो बिल जन्ना अल्लाह फरमा दे चल जन्ना दे अंदर छड़ ना महल्ला नू छड़ ना गलियां नू छड़ ना थियां नू छड़ ना मापे ते भैणा भरावां नू इन्हां दी फिकर ना कर तेनू उत्थे लैके जाने उत्थे लै चलिया तेनू उत्थे लै चलिया जिथे नबी बैठे हुए ने जिथे सहाबा ते अले बैत बैठे हुए ने तेनू उत्थे लई जाने वह तेनू उत्थे लई जाने नेक बंदे दी रूह इंज बेहतरीन लिबासा दे अंदर खुशबू वाले जंती लिबासा दे अंदर लपेट के फरिश्ते लै जाते हैं आंदने मुबारक होवे कोई नेक आ गया है कोई नेक रूह आ गई है ना जन्नत दे दरवाजे खुल जाते ने इलीशीन मकाम ते पहुँच जाती है रूह ते बुरे दी सिजीन मकाम ते पहुँच जाती है ते मैयत दे नाल जिस्म दे नाल कबर दी पहली रात किवें आंदी है एंड वाली गल सुन लो जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है आपने फरमाया जदों जंती बंदा जन्नत अंदर जांदे ना ते कब्र अंदर चार सवाल होंदे ने बोलो किन्ने तीन नहीं चार सवाल ने कबर दे अंदर पढ़ सियासता पढ़ बुदौद पढ़ इब्ने माजा पढ़ मेरे नबी दियां हदीस दियां किताबां तीन नहीं चार सवाल कबर दे अंदर आउंदे ने पहला सवाल होंदा है मन रब्बो का तेरा रब कौन है दूजा सवाल होंदा है मन नबीयो का तेरा नबी कौन है तीजा सवाल होंदा है मां दीनो का तेरा दीन की है जदों तीन सवालों के जवाब दे लैंदा है तो फिर चौथा सवाल बंदे कोल होंदा है दस अल्लाह दिया बंदियां इना गल्लां ते मसलां दे तेनूं किवें पता लग्या यांदे करा तिल कुरान मैं अल्लाह दा कुरान पढ़िया सी
मैं कुराने पाक दे विचे मसले सारे पड़े सुने सड़ना अल्लाह जिहड़े वेले नेक बंदे दी कबर दी पहली रात आउंदी है ना फरिश्तियां आंदे ने मन रब्बो का मन नबियो का मा दीनों का अल्लाह यहदी अल्लाह अकबर अल्लाह यहदी का मगरों अल्लाह वाजा मारदे ने ओ मेरे बंदिया ओ जंतिया ओ नमाजा पढ़न वाले रोजे रखन वाले दरसा मशना दे नाल खिदमत करन वाले अल्लाह दे नेक बंदिया ऐ तू जवाब दित्ती जा जवाब दित्ती जा जिहड़े वेले जवाब दित्ती जांदे ने जवाब दित्ती जांदे ने ना जवाब दित्ती जांदे ने किवें जवाब दित्ती जांदे हैं अल्लाह यहदी का ए आंदे रब्बी अल्लाह मेरा रब अल्लाह वे सुभान अल्लाह मगर अल्लाह रहनुमाई की जाता है आख बंदिया आख इन्हों जवाब दे नबी जी मुहम्मद मेरा नबी मुहम्मद हाय हाय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ला सलाम ते दीनी अल इस्लाम मेरा दीन इस्लाम है ओए नेक बंदे दी कबर दी पहली राह सुन लो मेरी तरफ देखना जेड़े वेले अजाब सिराले पासों आंदे सिर आले पासे कबर दी पहली रात अंदर नमाज खड़ी हो जाती है नमाज आंदी है ए वुजू करदा सी नमाज आंदी है ए सर्दियां गर्मियां दे अंदर मस्जिद जांदा सी नमाज आंदी है अंधेरे दे अंदर मस्जिद जांदा सी नमाज आंदी है ए मिनू पढ़दा सी पीछे हट जाओ जाओ चले जाओ खबरदार दे नेड़े आवो अल्लाह सिर आले पासे कबर अंदर नमाज आ जाती है फिर अजाब जड़े ना अजाब फिर सज्जे पासों आंदे सज्जे पासों रोज़ा जांदे रोज़ आंदे भुख जालियां ने प्यासा कटियां ने जाओ जाओ चले जाओ खबरदार इस बंदे दे नेड़े मैं नहीं तुहानू लगन दिंदा फिर अजाब खब्बे पासों आंदा वे खब्बे पासे बंदे दी ज़कात आ जांदी है सदके दिंदा सी उशर दिंदा सी फितराने दिंदा सी कुर्बानियां करदा सी गरीबां नू दिंदा सी दरसा मसीतां नू दिंदा सी मुजाहिदां नू दिंदा सी नेकी ते खर्च करदा सी ए ज़कातां करदा सी उशर करदा सी जाओ चले जाओ नेड़े ना आया जे फिर जड़े वेले अजाब पैरां ले पासों आण लगदे ते अगे सदका जांदा वे अगे सदका जांदा वे सदका पैरां ले पासों दे पिछे हो जाओ ए बंदा सदका खैरात बड़ा करन वाला सी मुड़ जदों अजाब आंदे के की करिए हर पासों दियां नेकियां सामने आ रहियां ने कबर दी पहली रात दे अंदर ते फिर रब दा कुरान नूर बन के आ जांदे अजाब नूं आंदे तू चला जा इहदी कबर दे अंदर कल्ले इहदा साथी मैं कुरान बन जांदा वां गौर नाल सुन लो रब दा ए कुरान है अपने कोलो गल नहीं हक दा ए ऐलान है अपने कोलो गल नहीं हक दा ए ऐलान है अपने कोलो गल नहीं हक दा ए ऐलान है तेरिया ने कार नाल हिन मुरब्बे कोठियां छोड़ वैसे यार जदों मौत पाया लोटियां रब दे ना ते खर्च कर जन्नत दा समान है गौर नाल सुन लो रब दा ए कुरान है अपने कोलो आंदा नहीं हक दा ए ऐलान है गौर नाल सुन लो रब दा ए कुरान है ते गल सुन मुहब्बत नाल मेरे नबी जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जदों इन्नियां गल्लां हो जांदियां ने ते फिर अल्लाह की फरमा दे अल्लाह फरमा दे लिबास जंती दे देवो बिस्तर जंती दे देवो इस जन्नती नेक नमाजी दी कबर दी अंदर जन्नत दियां खिड़कियां खोल देवो जन्नत दियां ठंडियां हवावां चला देवो ओ कूलिंग तेरे एसी दे अंदर नहीं हो सकदी ओ हवावां मरी दियां पहाड़ां दियां ठंडियां नहीं हो सकदियां खुदा दी कसम है जेड़े नमाजी बंदे दी कबर अंदर ठंडियां हवावां रब चला देंदे कबर दे अंदर अल्लाह जंती बिस्तर लगा देंदा है ना अल्लाह फरमाते ने इनू कह देवो मेरे नबी ने फरमाया नमक नम तिलो रोस इंजो सो जा जिवें पहले रात दी दुल्हन सो जांदी है ते दुनिया तो लैके आपां की जाना है अल्लाह वाला तड़पिया आंदे क्या लेके आया बंदा उची को सुभान अल्लाह इंज नहीं नहीं एंड अच्छा होना चाहिए अखीर चंगी होनी चाहिए जरा सज्जाद खड़ा करके कहो सुभान अल्लाह
या अल्लाह जड़े तेरा नाम बुलंद कर रहे इन्हें कब्र दे अज़ाब कोलो निजात दी दोवे हा चुके आखर तक ओ सुभान अल्लाह एक बार फिर भी उच्ची कह दो सुभान अल्लाह क्या लेके आया बंदा क्या लेके जाएगा दो दिन की जिंदगी है दो दिन का मेला क्या लेके आया बंदा इस जगत सराई मुसाफिर रहना दो दिन का मुसाफिर रहना दो दिन का मुसाफिर रहना दो दिन का बंद मुट्ठी आया बंदा खाली हाथ जाएगा बंद मुट्ठी आया बंदा खाली हाथ जाएगा दो दिन की जिंदगी है दो दिन का मेला क्या लेके आया बंदा क्या लेके जाएगा रब दा कुरान प्या पढ़दांगा ते हक दा ऐलान प्या करदा फरमाया अल्लाह को मुत्तकासुर कसरत माल ने तुहानू गफलत अंदर पा छड़िया ना दो मिनटों की हदीस आखरी सुन लै मेरे नबी अल्लाह अकबर ते कबर दे अज़ाब की तेनू गल समझ आ जाएगी ना शेख अब्दुल रहमान अल जफाज रहमतुल्लाह अलैह दमिश्क दे कब्रस्तान दे अंदर कबर बनाया करते सन 40-50 साल की उन्हों की उम्र हो गई है फरमाते ने एक बीबी मेरे को आइए आँदी एक कबर बना देना मैं कबर बनाइए मैयत आ गई है 14-15 साल के बच्चे की मैं ही मैयत नूं दफन कीता करदा सां जिहड़े वेले मैं उस बच्चे नूं नौजवान नूं रखे ना मैयत दे अंदर मैं की वेखे अचानक कबर थल्लो सामी दे विचों खुल गई है कबर खुल गई है दमिश्क दे उलमा बयान करदे हैं शेख अब्दुल रहमान अल जफाद रहमतुल्लाह ले नकल करदे हैं फरमाते ने कबर खुली है दो सवार आ गए हैं उस बच्चे नू बड़िया सोहनिया शक्लां ते सूरतां नूरानी चेहरां वाले उस बच्चे नू सवार कीते लैके चले गए हैं जे मैं वेंदा वां ते सामने बड़े बाग नजर आ रहे हैं वह मैयत दफन हो गई ना चंद दिन गुजरे ने फिर उ माई आ जाती है आँदी है शेख साहब एक होर कबर बना देवो ना फिर मैयत आ गई है फिर मैयत आ गई है ना ए जनाब मैयत आई है 40-50 साल की उम्र का बंदा आया है इनू दफन किया है तो शेख फरमाते ने जो मैं सामी अंदर रखी है ना मैयत कबर फिर तलो खुल जाती है फिर मैनू बाग नजर आते ने फिर दो सवार आ जाते ने उस मैयत उवें चढ़ा के फिर लगे जाते खैन मैं सोचा जिंदगी लंघ गई है कबर बरांद्या बनांद्या लेकिन इंज दा मैं कभी भी नहीं वेख्या गल की आंदने बीबी नू लभना चाहिए लभदे लभदे बीबी दे कोल आ जांदे हैं आंदने बीबी ओ मैतां की दियां सन जिदियां दो कबरां तू बनवाईयां ने ओ माई बोलीए बीबी बोलीए आंदी अल्लाह दे बंदिया ओ दोवें मेरे बेटे सन दोवें मेरे पुत्र सन अल्लाह की कम करदे सन शेख करम साहब शेख अब्दुरहमान अल जफाद रहमतुल्लाह फरमान लगे माई तेरे बच्चे की कम करदे सन मैं जिंदगी अंदर कदी इंज दा वाकया नहीं वेख्या किसी नू नजर नहीं आया मैनू नजर आ रहा सी कबर खुल जांदी सी सवार आ जांदे सन बाग वेखदा सां उहनां नू लैके चले जांदे सन तां ही ते मैं बेहोश होकर डिग गया सां ते फिर बाद च मैनू होश आया सी जो मैं वेखे किसी ने नहीं वेख्या मैनू दस तेरे बच्चे करदे की साणा माई बोलीए मेरिया बहना सुन लो मेरिया मावं सुन लो अपने बच्चों मस्जिद अंदर भेजा करो अपने बच्चों इत्थे कारी करम साहब को कुरान पढ़न वास्ते भेजा करो अपनिया बच्चियों दीनी तलीम वास्ते सिलाई वास्ते भेजा करो अपनिया बच्चियों नेकी दे रास्ते ते लगाओ अपने बच्चों ते बच्चियों नमाज ते रोजे ते अकीदे ते कुरान ते नमाज ते लगा देवो ना ए माई बोलीए आंदी है शेख साहब जिहड़ा मेरा निक्का बच्चा सी ना मदरसे जाके रब दा कुरान पढ़दा सी
जड़ा मेरा निक्का बच्चा सी ना वो कुरान पढ़ता सी, जड़ा मेरा छोटा बच्चा सी वो कुरान पढ़ रहा सी, वो कुरान दा ताले बिलम सी वो कुरान पढ़ता सी, ते जड़ा वड्डा सी उदी वी मैयत उही इवी फरिश्ते लैके गए ने बाग अंदर ते घोड़िया ते वड्डा की करदा सी। माई बोलीए आंदीए शेख साहब जड़ा वड्डा सी ना वो बेचारा है सी अनपढ़, वो है सी अनपढ़ वड्डा, वो पढ़िया कुरान कोई नहीं सी अनपढ़ सी, लेकिन वो की करदा सी, वो मेहनत मजदूरी करदा सी, वो खट कमा के लियांदा सी, वो मैनू भी खर्चा देंदा सी, अपने निके भरा नू भी खर्चा देंदा सी, आंदा सी खर्चा जाने मैं जाना तू कुरान पढ़ी जा, ओ आंदा सी खर्चा जाने मैं जाना घर जाने मैं जाना तू कुरान पढ़ना वे तू कुरान नहीं छड़ना। ए जड़ा वड्डा मेरा बच्चा फौत होए ना ए निक्के नू कुरान पढ़ांदा सी, ए निक्के कुरान पढ़न वाले नू खर्चा देंदा सी, ए घर दा भी सारा सिस्टम चलांदा सी ना। इस वास्ते मेरे भाईओ कुरान पढ़न वाले भी जनता ले जाणगे ते कुरान पढ़न वालियां दियां खिदमतां करन वाले भी जनता ले जाणगे। अल्लाह अल्लाह इस वास्ते मेरे भाइयों गल मुक गई है। ऐ उंज ते कबरां वेखना मेरे भाइयो सलाब दे सिलसिले दे अंदर गल्लां सानूं जल्दी समझ आ जांदियां हैं, लेकिन मेरे भाइयो कबर दी पहली रात वाला मंजर याद कर लो, याद कर लो ते मैं गल मुखा देवा। तेरा बंदिया कबर टिकाणा तू मुड़ के कोई नहीं आणा। अल्लाह वाले ने केड़ी प्यारी गल की थी, दो शेर सुनो ते दुआ कराइए। तेरा बंदिया कबर टिकाना तुए मुड़ के कोई नहीं आना, तुए मुड़ के कोई नहीं आना, तुए मुड़ के कोई नहीं आना। तेरा बंदिया कबर टिकाना तुए मुड़ के कोई नहीं आना, तू लगदियां नू भुल वैसे, तू लगदियां नू भुल वैसे, बस यारा नू भुल वैसे, तेनू छेती है दफनाना, तुए मुड़ के कोई नहीं आना। गल सुनन वाली है, तू जद कदम फलचिया से बामे बाले वाले आ, तू जद कदम सजदिया से गल्ला मेरिया याद करे से, तू जद कदम फलचिया से, तू जद कदम सजदिया से गल्ला मेरिया याद करे से, तेनू आखे है दरन माना अस मुड़ के कोई नहीं आना। तेरा बंदिया कबर टिकाना तोए मुड़ के कोई नहीं आना। रब दा कुरान पे पढ़दा पारा तीवा सुरे तका सुर हक दा ऐलान प्या करदा ते बयान खत्म प्या करदा। फरमाया कल्ला सौफा तालमोना तुम्मा कल्ला सौफा तालमो, आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।